हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल और अभी मुझे आटा लगाना है, तो मैंने पानी थोड़ा गर्म कर लिया क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है और ठंड में अगर हम ठंडे पानी से आटा लगाते ना तो वो बहुत टाइट टाइट रहता है। आप चाहे कितना भी टाइम लगा लो उस आटे पर लेकिन वो सॉफ्ट नहीं हो पाता। और अगर आप गर्म पानी से आटा गूंथते हो तो थोड़े से टाइम में ही बहुत अच्छा सा आटा आपका लग जाता है। तो इसलिए जब मौसम चेंज हो जाता है तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ। और ये पतीला ना दूध का ही था, मतलब अभी मैंने दूध इसमें गर्म किया था तो उसी में मैंने पानी गर्म कर लिया। मैं क्या, दूध थोड़ा बहुत लगा रह जाता है तो मैं क्या नाली में ही जाएगा वो, तो इससे अच्छा मैं उसी में गर्म कर लूँ पानी जो मुझे आटे के लिए चाहिए था। तो अभी हो रही हैं खाने की तैयारियाँ और आज है दिवाली। ये दिवाली वाले दिन की शाम की वीडियो है। तो दिवाली तो अब की बार मनानी नहीं है हमें। आप लोगों ने मेरी 3-4 वीडियो से पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें आपको रीज़न पता होगा कि दिवाली क्यों नहीं मनानी है। हम नॉर्मल सब्जी रोटी बनाने वाले हैं आज, और मतलब फेस्टिवल वाली कोई बात नहीं है आज। तो अभी सब्जी मैं आपको दिखाती हूँ क्या सब्जी बनाई है। हमने बनाई है आलू शिमला मिर्च, और बस रोटी बनानी है मुझे अभी, मतलब ये डिनर की तैयारी है मेरी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, साइड में एक पतीला रखा था उसमें भी क्या है। एक्चुअली मैंने वीडियो जो लास्ट डाली थी उसमें आपको बताया था कि हम सोनीपत गए थे और जब गए तो दूध ना बाहर ही रखा रह गया क्योंकि उस टाइम ना गर्म था, गर्म किया था मैंने, और फिर आए जब तक वो ख़राब हो चुका था तो वो दूध फट गया था। उसका मैंने पनीर बनाया है तो सुबह उसकी सब्जी बना लूँगी। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, और अभी सुबह के बजे हैं 6, कोई भी नहीं उठा था अभी। तो कई दिन से क्या, 7-8 महीने से मैंने कोई भी स्टिचिंग का काम नहीं किया है, मतलब नई कोई चीज़ नहीं बनाई है। और ये वूलन कपड़ा है, सर्दी आजकल आ चुकी है तो मुझे कुर्ती बनानी थी। तो मैंने आज सोचा कि अभी कुछ काम भी नहीं है मुझे, मतलब किचन विचन का या घर का ऐसा कुछ काम नहीं था। हालाँकि वुलन कपड़े मुझे रखने थे जो कई दिन से पेंडिंग पड़े हैं मेरे, बट मैंने सोचा जब 2-3 दिन पेंडिंग हो चुके हैं तो एक दिन और सही, और ये अर्जेंट था मतलब कुर्ती सिलना। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक सब उठते हैं तो उससे पहले मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उठने के बाद ना वो साथ साथ ही कटिंग करते हैं, साथ साथ ही सिलाई करते हैं और बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बिल्कुल नहीं बनाने देते, मतलब कुछ भी ख़राब करवा सकते हैं वो। तो वो कैंची लेके ना साथ साथ कपड़े को काटने की कोशिश करते हैं, और हुनर तो ना कहीं से भी काट देती है कपड़े को। कई बार ऐसा हो चुका है कि कपड़ा ख़राब भी हो जाता है, गलत जगह से काट देती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आप यही काम कर लूँ। घर के काम तो मुझे फिर भी करने ही पड़ेंगे जब ज़रूरत होगी। तो आज सबसे पहला काम मेरा मॉर्निंग का यही था कि मैं अपने इस कुर्ती को रेडी कर लूँ। हेलो अगेन, वेलकम बैक। अभी मैं पहुंच गई हूँ किचन में और जो मुझे कुर्ती बनानी थी वो हो चुकी है अब कंप्लीट। और जो कल पनीर बनाया था रात को मैंने, उसकी मुझे अब सब्जी बनानी है। तो अभी तड़का लगा लेती हूँ मैं और रोटी बनानी है। आज मैं मतलब डेली जो लंच बनाती हूँ उससे 1-2 घंटा पहले मैं लंच बना रही हूँ, और उसका रीज़न क्या है वो आप लोग भी सुनेंगे तो सोचेंगे कि मतलब सारा टाइम हम यही काम करते रहते हैं। एक्चुअली हमें जाना है किसी के घर अभी, तो इसलिए लंच मैं जल्दी बना रही हूँ ताकि फटाफट हम लंच कर लें तैयार वैयार हो के और फिर से ही निकल पड़े अपनी सवारी पे। और मतलब 4 दिन की छुट्टी है, त्यौहार मनाने नहीं थे तो फिर मतलब क्या करें घर में बैठ के। तो जो काम है, किसी से मिलना है या कुछ और काम है, कहीं आना जाना है, तो वो हम सोच रहे हैं कि निपटा लें। तो अभी जाना है कहीं, हमें कहाँ जाएंगे तो वो मैं बताऊंगी। उससे पहले हमें फटाफट खाना बनाना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी। सब्जी मेरी बन चुकी है तो जल्दी से हम रोटी बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम आगे आपको। I was feeling like I
need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me? ताकि मुझे पता चला मेरे बच्चे मेरी कहानी। एक हाथी था, एक चींटी थी। हाथी बोला, चींटी रानी कैसी हो? चींटी बोली, हाथी भैया मैं अच्छी हूँ। फिर चींटी बोली, भैया आप भी बताओ। हाथी बोला, मैं भी अच्छा हूँ। फिर हाथी बोला, चींटी रानी आपको एक बात का पता है? वो बोली, क्या? हाथी बोला, अरे उस बंदर की शादी है। उस बंदर की शादी? किस बंदर की? एक जो अपना दोस्त है ना बंदर, उसकी शादी है। उसकी शादी में चलोगी? हाँ चलेंगे, हम सब चलेंगे। चींटी बोली चलूंगी भैया, जरूर चलूंगी। तो हाथी बोला, चींटी रानी तुम क्या पहन के चलोगी? हम ना घाघरा और टी शर्ट पहन के चलेंगे। चलोगे? अब आपको लाख आएगा, लाइक आएगा। सुनो मेरी मेरी स्टोरी सुन के हाँ करो। तो हाथी बोला, चींटी रानी तुम क्या पहन के चलोगी? चींटी बोली, हाँ नहीं करते। चींटी बोली, भैया मैं तो साड़ी डाल के चलूंगी। चींटी बोली, हाथी भैया तुम क्या पहनोगे? हाथी बोला, मैं तो चड्डी पहनूंगा। हाथी ने तो चड्डी पहनी।